हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज, मैं हूं रेणु कैलाश। झज्जर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। बेशक बीजेपी ने सिविल सर्जन को उतारकर यहां से पहला दांव खेला हो, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर एक बार फिर दिग्गज नेत्री गीता भुक्कल पर ही विश्वास जताया है। वहीं बाकी क्षेत्रीय पार्टियां भी इस सीट पर नजरें गड़ाए बैठी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अलग हुए झज्जर के सियासी हाल की बात करें तो साल 1997 में अलग होकर बने झज्जर ने प्रदेश को पहला सीएम दिया था, जिनका नाम था भगवत दयाल शर्मा, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीट से जीत अपने नाम की थी। झज्जर विधानसभा सीट 1977 से आरक्षित सीट है। ये सीट लंबे वक्त से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का गढ़ मानी जा रही है। हालांकि साल 2014 में बीजेपी का बोलबाला पूरे देश में था, मगर उस दौर में भी कांग्रेस अपनी सीट को बचाने में कामयाब रही थी। तो आइए जानते हैं कि झज्जर विधानसभा सीट से कब कब किसने बाजी मारी है। 1967 में जब ये सीट रोहतक में थी, तब एम सिंह यहां से निर्दलीय उम्मीदवार बने थे। 1968 में गंगा सागर कांग्रेस की टिकट पर जीते थे, तो 1972 में मनफूल सिंह कांग्रेस संगठन से जीते थे। 1977 में मांगेराम ने जनता पार्टी के टिकट पर यहां परचम लहराया था, तो 87 में मेधावी निर्दलीय उम्मीदवार यहां से जीते थे। 1991 में दरियाब खाटिक ने जनता पार्टी के टिकट पर यहां अपनी जीत दर्ज की थी। 1996 में रामप्रकाश दहिया ने हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से अपना परचम लहराया। 2005 में हरिराम कांग्रेस के टिकट पर यहां जीते, तो 2009 और 2014 में गीता भुक्कल यहां से विधायक बनी। विधानसभा चुनाव में इन दिनों डॉक्टर से लेकर खिलाड़ी और विदेश में नौकरी करने वाले तक चुनावी दंगल में ताल ठोक चुके हैं। ये सत्ता का क्रेज ही है जो हर कोई चुनावी मूड में है। ऐसे ही उम्मीदवार झज्जर सीट से मैदान में है, जिसे सत्तासीन पार्टी से टिकट मिला है। झज्जर में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार, डिप्टी सिविल सर्जन से वीआरएस लेकर राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। महज 2 महीने पहले वीआरएस लेकर वो बीजेपी के टिकट के दावेदार बने और आरएसएस से भी उनका खासा जुड़ाव रहा है। बीजेपी की टिकट पर झज्जर से चुनाव लड़ने का मौका इस बार डॉक्टर राकेश कुमार को मिला है। हालांकि राकेश कुमार पिछली बार भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीआरएस नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार वो झज्जर से कांग्रेस की मौजूदा विधायक गीता भुक्कल के खिलाफ रणयुद्ध में है। झज्जर शहर अंग्रेजों के वक्त से ही संघर्ष करता रहा है और एक बार फिर झज्जर जंग के मैदान में है, मगर इस बार की जंग चुनावी है। इस सीट पर प्रदेश भर की नजरें लगी हैं। झज्जर विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट इसलिए है क्योंकि ये हुड्डा का गढ़ है और कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक बनाने के लिए यहां पर एक बार फिर गीता भुक्कल पर ही दांव लगाया है। वहीं बीजेपी भी नरेंद्र मोदी की हवा के सहारे नैया पार लगाने की जुगत में है। अब तक के चुनावी इतिहास को देखें तो बीजेपी यहां अपना खाता तक नहीं खोल सकी है, लेकिन वक्त की घड़ी की सुई कब किस पर आकर रुकी ये कोई नहीं जानता। बहरहाल झज्जर के सियासी चक्र की अब तक क्या तस्वीर रही है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। साल 2000 के विधानसभा चुनावों से 2014 तक के विधानसभा चुनावों में किसने किसको पछाड़ा और किसके सिर जीत का सहरा सजा, जरा ये भी देख लेते हैं। 2014 में गीता भुक्कल ने 91,697 वोटों से जीत दर्ज की, तो साधु राम को 25,113 वोटों से दूसरा पायदान मिला था। तो 2009 में गीता भुक्कल 48,806 वोट पा सकी थी, जबकि कांता देवी को 21,023 वोट मिले थे। 2005 में ही हरिराम इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर यहां 43,739 वोट पा सके थे, जबकि कांता देवी 29,545 वोट पाई थी। 2014 में रामप्रकाश दहिया हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से खड़े थे और उन्हें 22,266 वोट मिले थे, जबकि कृपा राम 15,657 वोट पा सके थे। बदलते माहौल के कारण ही तरह तरह के प्रयास और प्रयास जमीनी स्तर पर होते हुए दिख रहे हैं और जिला झज्जर की आबो हवा में चुनावी चिंगारी भी सुलग गई है। बहरहाल ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि ये ऐतिहासिक शहर इतिहास की नई गीता लिखता है या फिर मोदी नाम की बयार चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जो यहाँ तो क्षेत्रीय पार्टियों की नजर तो टिकी ही हुई है, लेकिन ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। गीता भुक्कल 2014 में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही थी। संवाददाता सनी हमारे साथ फोनलाइन से जुड़ गए हैं। सनी, इस बार का सियासी समीकरण झज्जर का क्या कह रहा है, किसका पलड़ा भारी है इस बार और
किसके सर पे जीत का सेहरा सज सकता है, क्या कह रही है वहां की जनता? हरडे भारी की बात है तो बीजेपी और कांग्रेस में पूरी तरह से टक्कर है और कोई प्रत्याशी इनके सामने टिक नहीं पा रहा है। कांग्रेस अभी तक दमदार नहीं है, पिछले 10 साल से जो लगातार कांग्रेस का विधायक यहाँ पर है, पहली सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल रही और फिलहाल वो वही विधायक अब कांग्रेस पार्टी से गीता बुक्कल ही है और दोनों पार्टियों की ज्यादा मतलब बीजेपी की तरफ से डॉक्टर राकेश को टिकट दिया गया है। डॉक्टर राकेश जिस तरह से मोदी और खट्टर लह रहे हैं उसको देखते हुए और जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है धारा 370 उसको देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रही, लेकिन जो टक्कर की सीधी तौर पर बात ले लूं वो कांग्रेस और जो है बीजेपी में है। कांग्रेस मजबूत इसलिए है तो जो क्योंकि हुड्डा गढ़ या झज्जर को कहा जाता है, हुड्डा पूरे सिंह हुड्डा का यहाँ पूरी तरह से दबदबा है तो कुल मिलाकर बीजेपी का यहाँ पहले कोई इस तरह का बोलबाला नहीं था, लेकिन अब जिस तरह से लगातार लहर बनी है बीजेपी की तो कांग्रेस की टक्कर बीजेपी से पूरी तरह से देखी जा रही है जी, कांटे की टक्कर। हाँ सनी, लेकिन अगर हम गीता भुक्कल की बात करते हैं कितनी पकड़ उनकी अपने विधानसभा क्षेत्र में है, क्योंकि 2014 में भी मोदी की लहर के बावजूद वो अपनी सीट जो बचाने में है वो कामयाब जरूर हो गई थी, तो कितनी पकड़ उनकी और अपने इलाके में है उनकी? देखिए यहाँ पर गीता बुक्कल की बात है, एक अच्छी पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट महिला है और पहली सरकार में जो है शिक्षा मंत्री भी रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, 5 अच्छे मंत्रालय भी थे उनके साथ उनके पास और फिलहाल भी वो विधायक है, तो कुल मिलाकर जहाँ तक उनकी व्यक्तिगत बात है एक अच्छी छवि उनकी जरूर देखी जाती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा यहाँ मुद्दा जो अब जो टक्कर की बात है बीजेपी की वो ये है कि जिस तरह से बीजेपी में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी ने जो नौकरियां दी है उनसे प्रभाव पड़ा है, जो साथ ही साथ राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है धारा 370 मोदी जी ने हटाई है, उन चीजों से बीजेपी भी उभरी है पूरी तरह से और बीजेपी भी पूरी तरह से टक्कर में आ गई है कांग्रेस की पूरी तरह से जी। हाँ सनी, मुख्य समस्याएं अगर हम झज्जर की बात करें कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर अभी तक फोकस नहीं किया गया है और किन समस्याओं को लेकर जनता इस बार मन बना रही है कि चुनाव में वोट करेगी? देखिए जो समस्या हुई जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी समस्या वो है कि पानी की निकासी, बरसाती पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है शहर में, हर बारिश में बुरा हाल होता है, साफ सफाई का बुरा हाल है क्योंकि जो नफा के कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से सफाई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो शहर की जहाँ तक बात है पानी निकासी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जहाँ तक जिले की बात है स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है यहाँ पर, क्योंकि एक कहने का तो 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू बना दिया गया रेनू यहाँ पर, लेकिन सुविधाएं यहाँ ना के बराबर है, समय पर ना टैबलेट है ना डॉक्टर है ना ही कोई अन्य व्यवस्था है, तो कुल मिलाकर तो कोई ऐसा जब इमरजेंसी आती है तो उसे या तो रोहतक रेफर कर दिया जाता है या गुड़गांव, तो स्वास्थ्य को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है, अच्छे हॉस्पिटल की यहाँ सुविधा होनी चाहिए जी। सनी आपने कहा कांटे की टक्कर है, लेकिन चूंकि ये कांग्रेस का गढ़ रही है ऐसे में इतना आसान होगा क्या बीजेपी के लिए इस गढ़ के किले को भेद पाना? देखिए बिल्कुल जहां तक किले की बात है बिल्कुल जो कोदरा ने हुड्डा साहब का ये गढ़ रहा किला रहा, 2 बार शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल यहाँ से विधायक, उससे पहले भी 2005 में जो है हरिराम वाल्मीकि वो भी कांग्रेस के ही विधायक थे, तो कुल मिलाकर कांग्रेस का गढ़ रहा है, उनका कब्जा जरूर रहा है, लेकिन अब की बात जो समीकरण बदले हैं रेणु वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने एकदम से पिछले 5 साल में उभर के आई है, क्योंकि झज्जर और रोहतक सोनीपत ये पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह मुद्दा गढ़ माना जाता है, झज्जर विशेषकर बात की तो इस झज्जर में भी अब बीजेपी दमदार दिखाई दे रही है, ये नहीं कह सकते कि कमजोर है कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन जो बीजेपी कहीं दिखती नहीं थी पहले वो अब पूरी तरह से टक्कर में है जी। सनी क्षेत्रीय पार्टियों का समीकरण क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा पाता है इनेलो का कुछ खास दबदबा नहीं है, ज्यादा जेजेपी की बात है वहाँ प्रत्याशी जो जनता चाह रही थी उस तरह के प्रत्याशी यहाँ नहीं दिखाई दिए, तो इस तरह की जो पार्टी है इनका यहाँ कुछ ज्यादा जो है बोलबाला नहीं है, कुल मिलाकर सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में ही रहेगी। चलिए सनी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता सनी खन्ना हमारे साथ झज्जर से जुड़े हुए थे और मुख्य टक्कर वो देख पा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और ऐसे में गीता भुक्कल पर दारोमदार है एक बार फिर से अपने किले को बचाने का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं हम, जल्द लौटते हैं।